उपमंडल गोहर में पिछले कल मनरेगा कार्य की लेबर पर पथराव और श्रमिक लहूलुहान को लेकर बासा पंचायत में डीएसपी मंडी करण गुलेरिया ने खुद मोर्चा संभालते हुए सभी पीड़ितों के बयान कलमबद्ध किए, जिसमें मनरेगा लेबर ने अपने दिए बयानों में बताया कि हमलावर परिवार के सदस्यों ने उन पर जाति सूचक गालियां देकर शर्मिंदा किया है व गंदी गंदी गालियां निकालकर मनरेगा लेबर को जलील किया है। वार्ड मेंबर खिमी देवी ने अपने बयानों में कहा कि दलित होने के कारण दूसरे पक्ष ने हमला किया है व ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है व इस पर पुलिस प्रशासन को आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि विकासखंड गोहर की ग्राम पंचायत बासा में मनरेगा के तहत काम कर रहे लेबर पर स्थानीय ग्रामीण के द्वारा उन पर पथराव करने व श्रमिक को लहूलुहान करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनरेगा कार्य में दलित परिवार के सदस्य काम कर रहे थे, जो कि पंचायत प्रतिनिधि के आदेश पर निर्माण कार्य के लिए घर से रेता निकाल ही रहे थे। अचानक साथ लगते ग्रामीण ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें कई श्रमिक घायल हो गए हैं और एक मनरेगा कामगार के सिर पर गहरी चोट के कारण 6 टांके लगाने की नौबत आ गई। ग्राम पंचायत पासा के तहत रास्ते के निर्माण को लेकर खड्ड से रेत निकाल रही थी मनरेगा लेबर। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने मनरेगा श्रमिक महिलाओं के साथ मारपीट करने के साथ जाति सूचक शब्द कहकर बुरी तरह अपमानित किया है। मजदूरों की पिटाई को लेकर स्थानीय प्रधान कमला शर्मा, उप प्रधान उमेश शर्मा तथा वार्ड सदस्य खिमी देवी ने घोर निंदा की है। थाना प्रभारी सुरम सिंह ने बताया कि मामले को लेकर दोनों शिकायतकर्ताओं की तरफ से क्रॉस FIR दर्ज हुई है, जिसमें छानबीन की जा रही है। DSP मंडी करण गुलेरिया ने सभी पीड़ित के बयान लेकर विभिन्न धाराओं के तहत अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। मनरेगा के तहत जो गांव में जो ये ग्राम पंचायत पासा की मनरेगा की लेबर जो काम कर रही थी और वहां से किसी गांववासी ने हमारी मनरेगा लेबर के ऊपर जो ये कार्रवाई की, मारपीट की, यह एक बहुत ही बुरी घटना है। ऐसे इस कारण से होनी नहीं चाहिए थी। जो इसके ऊपर जो भी ये मनरेगा मजदूरों के ऊपर जो भी ये मारपीट हुई है, इनके खिलाफ हमारे उचित कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि मनरेगा मजदूर हर जगह पंचायत प्रधान या उप प्रधान हर जगह मौके पे मौजूद नहीं होते हैं। मैं सब लोगों से ऐसा आग्रह करना चाहती हूँ कि जहाँ भी कोई मनरेगा लेबर अगर कोई गलत काम कर रही है, खनन कर रही है, कुछ भी कर रही है, आप पंचायत को जो है सूचित करो। ऐसे हाथापाई मत करो एक दूसरे की, ऐसे लड़ाई पाठवाज। ये तो कल बहुत ही एक विकासखंड गोहर और ग्राम पंचायत बासा के लिए एक बहुत ही बुरी बुरी घटना रही, जिससे कि भाई पूरा जो है बासा पंचायत और ये दुंगाई बाढ़ वाले सारे लोग जो है सहमे हुए हैं कि यहाँ तो प्रधान जी कुछ भी हो सकता था कल। पर मैं मौके पे नहीं पहुँची, वहाँ मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया, उन्होंने मौके का पूरा जायजा लिया वहाँ पे क्या क्या हुआ, और फिर मेंबर द्वारा जो है पुलिस कंप्लेंट करवाई गई पंचायत की तरफ से, और पुलिस मौके पे पहुँची और सब लोगों से पूछताछ की गई कि वहाँ पर एक्चुअल हुआ क्या था। इस के लिए मैं चाहती हूँ कि इस घटना की पूरी पुष्टि की जाए और इसके लिए मुझे सब लोगों का सहयोग चाहिए। जो भी है लेबर वालों को न्याय मिलना चाहिए। मैं वार्ड पंच खिमी देवी वार्ड दुग्राई से हूँ। मेरे काम चले, मनरेगा के काम चले हैं, 3 काम चले हैं। हम खड से रेता निकाल रहे थे, पूरी लेबर भी खड में थी और हम रेता लाए ऊपर सड़क पे, तब तक नैन सिंह आ गए और हमारे को गालियाँ दे दी। उसने बोला इसे चमार है, आप ऐसी रंडी है, आप हमारे घर से रेता ले जा रही उठाने के लिए, रंडी तेज तो मैं RTI लूँगा और पहले भी लिया और दूसरी बार भी लूँगी। हम चाहते हैं ऐसा कि पुलिस विभाग कड़ी से कड़ी 16 आदमी थे वहाँ पे, बाकी और भी आगे ओरे परे से दौड़ के लोग, जब हमारा रोने की आवाज़ आई लेडीजों की तो उसने बहुत सारे अपने बेटे बुला दिए, पत्थर से मारपीट की उन्होंने और खून खराबा हो गया वहाँ पे, फिर सारे लोग आगे इकट्ठा होके वहाँ पे। मनरेगा में काम कर रहे थे, खंड में रेता निकाल रहे थे सारे लेबर, ऊपर से नारायण सिंह आया और उसने गाड़ी गलोज स्टार्ट कर दी। जब उसने ऊपर आया और गाड़ी गलोज स्टार्ट कर दी, मेंबर को बोलने लगे अरे डंडी तू, एक बार मैंने तेरी RTI ली और दूसरी बार मैं फिर तेरी RTI लूँगा, और तू यहाँ कौन तेरे रेता निकालने में
उसके बाद हम सब आ गए रोड पर। जब हम रोड पर आ गए तो उस टाइम वो घर गया, मैं पुलिस वालों को बुलाऊंगा। जब वो घर गया और अपने बच्चों को लाया, फिर दोनों लड़के आए और दोनों लड़के जो है इन औरतों पर ही टूट पड़े। जब वो औरतों दबोची उन्होंने ना नीचे, उसके तो उनको छुड़ाने में गया था, वो उन्होंने मेरे पर हमला कर दिया। फिर दूसरा जो मेरे साथ था, हम दो ही आदमी थे लेबर में, मर्द और बाकी सब औरतें थी। कितनी लेबर थी, कितने जेंट्स थे? दो ही जेंट्स थे। हमला किस चीज से किया उन्होंने? पत्थरों डंडे से। कितने लोगों ने पथराव किया? तीन थे। कौन कौन उसमें? नारायण सिंह और विनोद और करतार सिंह, उसका लड़के दो, विनोद और करतार।